हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल सिंघाड़ा चाट। इसके लिए हमने सिंघाड़ों को अच्छी तरह से धोकर एक सीटी लगने तक प्रेशर कुकर में उबाल लिया है और उसके बाद प्रेशर रखकर निकाल दिया है। सिंघाड़ों को हमने छील लिया है और छीलने के बाद हम इसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ले लेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच देसी घी। घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और बॉइल्ड सिंघाड़े डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक, व्रत वाला नमक है ये, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम क्रिस्प होने तक भूनेंगे। इसे हमें थोड़ा सा क्रिस्प करना है, बाहर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। और लीजिए, तैयार है ये टेस्टी क्रिस्पी सिंघाड़ा चाट। इसे आप हरे धनिया के साथ गार्निश करें। आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं और साथ ही आप इस पर हरे धनिया, हरी मिर्च और नींबू की चटनी बनाकर इसके मजे ले सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।